मैं नहीं दिखूंगा उसमें, ऐसा करेंगे अपन, टेक्निकल टीम बुलानी पड़ेगी। बच्चों मेरी बात सुनो, अपन लोग आज पढ़ेंगे मीन डेविएशन की प्रॉपर्टीज। मीन डेविएशन तुम्हें पता ही है क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मीन डेविएशन के बारे में। अपन लोग पढ़े थे, जैसे तुम्हें दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10, मान लो तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है। अपन निकालते थे इसका मीन, या इसका मीडियन निकालो, या मोड निकालो, तुम्हारे मन में आए जो भी निकालना हो निकालो। अब मान लो इसका अपन ने मीन निकाला, तो मीन निकालने के बाद फिर अपन लोग निकालते थे डी, और डी भी निकालते थे मॉड्यूलस में, ठीक है। डी का फॉर्मूला होता था, डी मतलब डेविएशन, एक्स माइनस, एक्स में से तुम कुछ भी माइनस करोगे तो डी आ जाएगा, याद रखना बच्चों। मैंने बोला था डी का मतलब डेविएशन, डेविएशन का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब फर्क। डी का मतलब डेविएशन, डेविएशन का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब किसी में फर्क। 5 और 3 में 2 का फर्क होता है, तो माइनस करके अपन निकालते हैं, ठीक है। तो डेविएशन भी माइनस करके आएगा। अब ये तुम्हारे सामने एक्स दे रखे, इसमें तो तुम कुछ भी माइनस कर दो तो डेविएशन आ जाएगा। अब अगर तुम मीन माइनस कर रहे हो तो फिर वो डी मीन कहलाएगा। तुम मीडियन माइनस कर रहे हो तो डी मीडियन कहलाएगा। अब मीन माइनस करना है तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन आ रहा है 6, तो ये माइनस करेंगे अपन, ठीक है। तो -4 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस बनाया तो 4 हो जाएगा, 4 2 0 2 4। फॉर्मूला होता है सिग्मा। बेटा मीन डेविएशन का मतलब होता है डेविएशन का मीन, तो डेविएशन का मीन मतलब सिग्मा डेविएशन अपॉन एन, एक्स का मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो डेविएशन का मीन सिग्मा डेविएशन अपॉन एन। ये बात समझ गए? डेविएशन कौन सा? मॉड्यूलस में, और वो भी मीन वाला, ठीक है। डेविएशन मॉड्यूलस में रहेगा, ठीक, ताकि हमारे पास वैल्यू सारी प्लस में आए। अब इसका टोटल कर देंगे, 4, 5, 6, ये 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 5, ये आएगा अपना 2.4, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 5 2.4, ये आया मीन डेविएशन। ये पढ़ा था मैंने पिछली क्लास में टॉपिक, और मीन डेविएशन तुम्हें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज सब में सिखा दिया था, ठीक है। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़े, हटा दो इसको, याद है ना ये चीज़ें बच्चों? ऐसा बिल्कुल नया नया तो नहीं लग रहा ना? ये संडे को तुम लोग बिल्कुल मदहोश हो गए होंगे, ठीक है, पूरा संडे मना रहे होंगे, फुल एंजॉय कर रहे होंगे, पता ही नहीं है पढ़ाई लिखाई क्या, ऐसा तो नहीं है ना? ये याद है हर बच्चे को, ये पता है क्या चीज़ है, ठीक है। तुम लोगों को मेन डिविजन का क्वेश्चन दो तो तुम सॉल्व कर लोगे, बेटा तो जिंदगी कोशिश में निकाल देगा। आ जाओ, मीन डेविएशन टेक्स इज मिनिमम वैल्यू मतलब डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। मीडियन से जब भी डेविएशन लेते हैं तो हमेशा कम वैल्यू आती है, पढ़ा दिया था, ये मीडियन में ही पढ़ चुके थे, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं लिखूं, लिखकर बताऊं तुम्हें, तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको, सिग्मा एक्स माइनस मीडियन, ये हमेशा मिनिमम रहेगा। अगर डेविएशन को मीडियन से निकाला जाए, डेविएशन मतलब होता है एक्स में से कुछ भी माइनस करो, एक्स में से कुछ माइनस करो, जो मन में आया वो माइनस करो, डेविएशन आएगा उससे, ठीक है। कुछ भी माइनस करो, मीन करो, मीडियन करो, मोड करो, अज्यूम मीन करो, उससे डेविएशन आता है डेविएशन। ये बात दिमाग में फिट कर लेना, और डिस्पर्जन है ही डेविएशन का चैप्टर, ये माइनस ही करवाएगा, समझ रहे हो। रेंज में भी माइनस करवाया था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मीन डेविएशन में भी माइनस करवा रहा है, एक्स में से कुछ भी माइनस करवा रहा है, या तो मीन करो, या मीडियन करो, या मोड करो, कुछ भी माइनस करो, समझ रहे हो तुम लोग, एक्स में से, इससे डेविएशन आता है बच्चों, याद रखना डेविएशन कहलाता है। और जब दो लाइन बना देते हैं तो उसका नाम होता है, अरे लाइन का नाम तो मॉड्यूलस है, ठीक है, डेविएशन के, हाँ डेविएशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। एक्स में से कुछ भी माइनस करो, डेविएशन आता है, जब ये मॉड्यूलस बना दोगे तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट डेविएशन का टोटल, मीडियन लेके डेविएशन निकाला है तो मीडियन लेकर जब डेविएशन निकालोगे तो उस केस में एब्सोल्यूट डेविएशन का टोटल हमेशा मिनिमम रहेगा। ये बात समझ में आती है? कोई भी डाउट है इसमें? आगे बोलता है, ऑल्सो मीन डेविएशन रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन।
याद रखना बच्चों, डेविएशन पे कभी भी ओरिजिन का फर्क नहीं, असर नहीं पड़ता। डेविएशन पे कभी भी ओरिजिन का असर नहीं पड़ता, ठीक है। हमेशा किसका असर पड़ता है? स्केल का। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था। चलो मेरी बात सुनो, छोड़ो इसको भी। ये देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को और बोला है मीन डेविएशन निकालो 5, 8, 10, 10, 12, 9। इसका मीन डेविएशन निकालने का बोला है, मत निकालो। ये बोलेगा तो थोड़ी अपन हर काम करेंगे, इतना बड़ा हो गया कि मत निकालो, नहीं निकालो। होमवर्क दिया था घर पे करने के लिए, लो तुम तो इसका मत निकालो, तुम तो इसका निकालो। मैं जिसका दे रहा हूँ इसका तुम्हारे सामने आंसर, तुम देख कर निकालोगे, चीटिंग कर लोगे। अभी लो, इसका मीन डेविएशन निकाल सकते हो? 3, 5, 8, 8, 10, 7 का मीन से निकालना है, इसका मीन डेविएशन मीन से निकालना है। मैंने ऐसे ही फिगर लिख दी है, मगर आंसर पता है मेरे को क्या आएगा, बिना देखे बता सकता हूं। इसका आंसर आएगा 1.67। क्या आया? मतलब तुम्हारा भी यही आना चाहिए, चेक कर लो, यही आ रहा है क्या? हाँ करो। मतलब मैंने कितनी फास्ट कर लिया दिमाग में, कितना तेज दिमाग चलता है मेरा यार। इसका आंसर है 1.67, यही आ रहा है क्या? देख लो एक बार। हाँ लिख के मत करो, केएलसी में करो, सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 2, 2, 4, 2, 6, 6.8। थ्री आ रहा है, ये तो मीन आया। अब सब में से माइनस करो मीन को, और माइनस करके एम प्लस में डालते रहो। नेगेटिव आंसर आया तो एम माइनस में डालो, पॉजिटिव आया तो एम प्लस में डालो। समझ में आया? नहीं आया? एक काम करो, जिन बच्चों को नहीं आया वो समझना, जिनको आ रहा है वो करते जाओ। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6, क्या 2, 2, 4, 2, 6 करोगे तो मीन आ जाएगा। आ गया मीन। अब क्या करो, 3 माइनस मीन है ना, 3 माइनस मीन करोगे तो अगर माइनस में आंसर आया तो एम माइनस दबाओ, और प्लस में आया तो एम प्लस दबाओ। फिर 5 माइनस मीन, माइनस में आया तो एम माइनस, 8 माइनस मीन, प्लस में आया तो एम प्लस। जैसा आंसर आया वो दबाते जाओ। जब एम आर सी करोगे तो जो भी तुम्हारे सामने आएगा एम आर सी में, उसको डिवाइड कर देना 6 से। 1.89 आया, 1.67 आना चाहिए। हाँ वो थोड़ा बहुत फर्क चल जाएगा तुम्हारा, और डेसिमल में आ रहा होगा उसकी वजह से। हाँ ठीक, थोड़ा बहुत फर्क चलेगा। क्या आंसर आया? 1.5 आया, इतना एग्जैक्ट। वन पॉइंट सिक्स सेवन आया किसी का? जल्दी जल्दी, वीडियो खराब हो रही है, वीडियो खराब हो रही है। पॉज करूँ? पॉज की जरूरत पड़ेगी। बच्चों मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन में जब तुम मीन निकालोगे तो चक्कर ये, इसके अंदर मीन डेसिमल में आ रहा है, मीन डेसिमल में आ रहा है ना, एग्जैक्ट थोड़ी आ रहा है, मीन डेसिमल में आ रहा है ना, तो तुम्हारा आंसर इससे थोड़ा भटक सकता है, ठीक है। हाँ वो डेसिमल में, जब मेरी बात सुनो, जब भी डेसिमल में आता है ना मीन डेसिमल में, तो क्या होता है अपन अप्रोक्स लेने जाते हैं ना जब, तो सब में ही अप्रोक्स हो जाता है वो, इसलिए थोड़ा अपना आंसर भटक जाता है जगह से। ये 1.89 आ रहा है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, डेसिमल में ऐसा ही होगा, ठीक। अब तुमने कहा कि मैंने कैसे बता दिया 1.67 आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, ओरिजिन का चेंज मैटर नहीं करता, तो मैंने सब में से 2 लेस कर दिया, यही वैल्यू है, इसमें सब में से 2 लेस कर दिया है मैंने, यही वैल्यू है, मैंने इन सब में से 2 लेस कर दिया, 2 को लेस कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें अगर ये चेक करना है यहां पर, तो तुम चेक नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा मीन डेसिमल में आ रहा है। अरे रे 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 रे, ये 6 आएगा, क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्वेश्चन गलत लिख दिया, गलती से 3 माइनस हो गया। मेरी बात सुनो, यहां पर 6 आना चाहिए, यहां पर 6, यहां 6 आना चाहिए। अब एग्जैक्ट आएगा ना आंसर, 42, क्या 42 आया? डिवाइड बाय 6 करने में क्या आया?
सेवन आया ना, अब एग्जैक्ट आया, तुम्हारा आंसर यही आएगा, 1.67 ही आएगा, करके देख लो जल्दी से पास कर लो, सेवन आ गया है, 3-7 एग्जैक्ट आएगा 1.67। अरे 10 देख लो बस, 10 आ रहा है टोटल करने पे, खत्म आ रहा है 10। क्योंकि बच्चों ओरिजिन का असर पड़ता ही नहीं है। आओ अगर मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये लिख दूं, अगर मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये लिखूं, देखो 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 बच्चों 10, 16, 20, 24, 18 मैं बोलूं इसका निकालो मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, मत निकालना, इंटू टू कर दो इसको, बस समझ में आया। एक का अपन निकालने के बाद बाकी का लिए कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता, अपन को एक बात पता है, ओरिजिन का असर नहीं पड़ता और स्केल का असर पड़ता है, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी आगे, बताऊंगा मैं तुम्हें। फाइंड मीन डिवीजन अबाउट मीन करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, बकवास, कल ना टाइम पास। कंप्यूटर मीन डिवीजन अबाउट अरिथमेटिक मीन, मीन डिवीजन निकालो, निकाल लोगे ना, घर पे बैठ के निकाल लेना, मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, उससे मीन आएगा। मीन के लिए क्या करना है, तुम्हें निकालना है एफ एक्स, एफ एक्स मीन के लिए तुम्हें निकालना है एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके मीन आएगा, मीन को इन 1.35579 में से लेस कर देना, मीन को इसमें से लेस कर देना, ठीक है, 1.35579 में से लेस कर देना मीन को, ठीक है। जो भी मीन आए, मीन कैसे आएगा पता है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन तो पता ही है, एक्स में से लेस कर देना तो तुम्हारे पास आएगा डी मीन, ये आएगा डी मीन मॉड्यूलस में, ठीक है। फिर डी मीन आने के बाद निकालना है एफ डी मीन, एफ से इंटू करना है, क्योंकि तुम्हें पहले ही बोला था हर सिग्मा वाले फॉर्मूले के एक रूल चलते हैं, मीन का मीन डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ये वाला मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, सिग्मा डी, पहले तो ये देख लो मीन का ये ना, ये मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, हाँ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, ये बच्चों ये फॉर्मूला पढ़ा था ना बनने, जब डिस्क्रीट आएगी तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा बताओ मुझे, सिग्मा एफ डी मीन हो जाएगा, एफ डी मीन अपॉन सिग्मा एफ, एन बन जाता है सिग्मा एफ और सिग्मा के साथ लग जाता है एफ, हर सिग्मा के साथ एफ लग जाएगा, एन बन जाएगा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे अपन पहले ही। तो पहले मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालना, फिर मीन का फॉर्मूला लगा के मीन निकालना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन को इसमें से माइनस करोगे सब में से तो डी मीन आ जाएगा, यहाँ पर लिखी वैल्यू को एफ से इंटू करोगे तो एफ डी मीन आ जाएगा, हाँ हाँ एक्स में से माइनस करना, जो भी मीन आया ना उसमें इसमें से माइनस करना है, करके दिखाओ क्या कर लोगे ना, ये देखो इन्होंने कर रखा है सोल, यहीं देख लो ना, ये पहले तो मीन निकाल रखा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके 3.88, अब क्या कर रहा है इन सब में से माइनस कर रहा है 3.88, फिर माइनस करने के बाद इंटू कर रहा है इससे, एफ से इंटू कर रहा है, तो ये आया अपने पास, इसका टोटल डिवाइड बाय इसका टोटल, ये सारे काम मैं कैसे भी कर सकता हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बता नहीं सकता अभी, मैं बात पहले बताया था मैंने तुम्हें, मतलब मीन निकालने के बाद मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा ये वैल्यू पे आ सकता हूँ कैलसी पे, और सीधा मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ, मुझे ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं दोबारा ऐड करने के लिए, ठीक है। तुम्हारा कैलसी सीधा ये वैल्यू लेकर आ जाएगा, खुद ही ऐड कर देगा तुम्हारा कैलसी डायरेक्ट इसको, ठीक है, बता रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ देना, क्योंकि कैलसी जलाने का ट्रिक है। देखो कैलसी पे अपन लिखेंगे पहले तो एक्स, उसमें से अपन माइनस करेंगे मीन, है ना, मीन माइनस करके अपन दबाएंगे, मीन माइनस करके तुम्हारे पास जब ये फिगर आएगी, ठीक है, तो ये फिगर आने के बाद तुम दबाओगे मल्टीप्लाई का बटन, ठीक है, ये फिगर आने के बाद दबाओगे मल्टीप्लाई का बटन, मल्टीप्लाई का दबाने से के बाद आएगी ये फिगर, समझो बात को,
तुम करोगे x माइनस मीन, ये करोगे, इसके बाद तुम दबाओगे मल्टीप्लाई का बटन, मल्टीप्लाई का बटन दबाने से तुम्हारे पास ये फिगर आएगी, माइनस में भी आ सकती है प्लस में भी आ सकती है। ये फिगर आने के बाद तुम्हें मल्टीप्लाई का बटन तुमने दबाई दिया, फिर तुम्हें फ्रीक्वेंसी लिखना है 5, ये 5 लिख दी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद जब तुम्हें पता पड़ेगा ये माइनस में आया था तो फिर m माइनस दबाओ, जब तुम्हें पता होगा ये प्लस में आया था तो फिर m प्लस दबाओ। तो जैसे ही m माइनस m प्लस का बटन दबाओगे तो डायरेक्ट ये 14.4 आ जाएगा और डायरेक्टली वो मेमोरी में चला जाएगा, आ भी जाएगा मेमोरी में भी चला जाएगा, ठीक है। और फिर मेमोरी जुड़ते इसका टोटल अपने आप ही आ जाएगा, मतलब तुम्हें लिखने विखने की जरूरत नहीं है, इस फिगर को तो लिखने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। सीधा सीधा 1 माइनस मीन मल्टीप्लाई का बटन दबाने के टाइम में तुम्हारा ये आंसर आएगा। इसके आने के बाद तुम्हें दबाना है फ्रीक्वेंसी 5 और 5 के बाद सीधा m प्लस या m माइनस दबाना, समझ गए। ये टोटल ये फिगर आती रहेगी मेमोरी में अपने आप ही, और ये ऐड होके सीधा आ जाएगा ऐड, डिवाइड कर देना सिग्मा f से, 25 से डिवाइड कर देना, आंसर आ गया, ठीक है। ये है तरीका, पहले x, फिर मीन, फिर मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, फिर m माइनस और m प्लस, खत्म। पहले x, फिर माइनस करेंगे मीन, मीन बताता हूँ तुम्हें, ऊपर है मीन, मल्टीप्लाई के बाद फ्रीक्वेंसी के बाद m माइनस m प्लस, डिसाइड करेगा तुम्हारा ये किस में आया, अगर ये माइनस में आया हो तो m माइनस दबाना, अगर ये प्लस में आया हो तो m प्लस दबाना। क्या 20 आ रहा है ये टोटल? हाँ, मीन 5 आएगा, मीन ही गलत लिखेगा तो आंसर गलत ही आएगा, ऑब्वियस बात है, मुझे कैसे कर रहा है। 1 माइनस 5 करेगा तो 4 आएगा, 4 को 5 से करेगा 20 आएगा, ऑब्वियस बात है मीन ही गलत है। मीन आया 3.8, ये है मीन 3.88, सही लोगे मीन तो सही आंसर आएगा, ठीक है। ये सब दबा दिए, लास्ट में तुम जब यहाँ तक पहुँच जाओ 5.12 तक, उसके बाद तुम्हें दबाना है MRC दबाते ही तुम्हारे पास आ जाएगा ये 42.88, आ गया 42.88 आएगा, 42.88 ना आए तो समझ लो तुमने इन बटन दबाने में मिस्टेक की है, कहाँ पर m माइनस कहाँ पर m प्लस दबाना है इसमें मिस्टेक की होगी, यही आएगा 42.88। हाँ, ये वैल्यू दिख जाए ना कैसे भी एक बार 5.12 दिख जाए, उसके बाद सीधा MRC दबा देना, ये मिल जाएगा 42.88, ठीक है। अरे मैं ऐसे ही बता देता हूँ तुम लोगों को यार, ये कोई तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लिया करो, सीखने को मिलता है सीख लिया करो, ये क्वेश्चन नहीं आना, वैसे भी बड़ा क्वेश्चन है, वो टाइम लगता है इसको करने में, आ भी जाए तो कम से कम 1 कर तो ले, 1-8% चांस होता है इसका, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है तो नहीं आता, छोटा सा क्वेश्चन है तो 1 मिनट का, एक बार काउंट डाउन टाइमर चला के सोल्व करके देखना इस क्वेश्चन को, देखना 1 मिनट में होता है नहीं होता कैलसी पे। हटा दू इसको, हटा दू, ये पढ़ा दिया पहले, ये कोफिशियंट ऑफ एमडी का कोफिशियंट, ऊपर एमडी रहेगा, नीचे जिससे वो निकला है वो रहेगा, अगर अरिथमेटिक मीन से एमडी निकाल तो अरिथमेटिक मीन रहेगा। ये क्वेश्चन आया कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना एक बार घर पे जाके, ये होमवर्क है तुम्हारा 14.2.7, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा कल, मुझे बता देना मुझे कराना है नहीं कराना, ठीक है। मार्क कर लो इसको, मोबाइल पे रिमाइंडर रख लो, कुछ भी कर लो इसको, कल करके आना जब तुम्हें, ठीक है। कौन सा वाला? अरे प्रैक्टिस के लिए करना बस, मेन डिवीजन अपन को आता ही नहीं आता, ठीक है।
कभी कभी क्या करेगा, छोटा सा क्वेश्चन बनाकर दे देगा। मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसका जब मिड वैल्यू आएगा तो डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी। मिड वैल्यू लेते तो डिस्क्रीट हो गई। हाँ, मीडियन से पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। हाँ, बड़ा हो गया मेरे को, क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। कौन सा कराऊंगा ना मैं तुम्हें, अभी वो ऊपर वाला जो बोला ना उसको एक बार ट्राई करना, काउंट डाउन टाइमर चलाकर कितनी देर में होता है। हाँ, मैं तो बड़ा हो जाएगा, एल वन प्लस एम माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई वाला। ये नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ट्राई कर लेना, बस कॉन्सेप्ट सीखा है तुमने उसके ट्राई कर लेना, ठीक है। ये आएगा बच्चों, पढ़ा चुका हूँ, रेंज में पढ़ा है ना, रेंज में सेम डिट्टो वही है। वाई को इधर छोड़ो, बाकी सबको यहाँ ले आओ, ओरिजिन को हटाओ, साइन को हटाओ, याद है ये इक्वेशन लिखी हुई है क्वेश्चन में। इसमें वाई को यहाँ छोड़ना है, बाकी सबको यहाँ लाना है, तो ये आ जाएगा माइनस का फोर एक्स। ये कैसे आया समझ में आया तुम्हें, ये ला के दिखाऊँ, रेंज में पढ़ाया था, रेंज में। इसे ओरिजिन बोलते हैं, कुछ काम का नहीं है, साइन कुछ काम का नहीं है, सीधा 4/3 काम का है, बस सिर्फ 4/3 ये काम का है। ओरिजिन और साइन काम के नहीं होते, ये है ओरिजिन, रेंज में पढ़ा है डिटेल में, वीडियो देख लेना चाहो तो, ठीक है। ओरिजिन काम का नहीं होता, साइन वाइन कुछ काम के नहीं होते, सिर्फ 4/3 काम का है, क्योंकि 4/3 स्केल है, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई होने वाला और ये एक्स से डिवाइड होने वाला, जो एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाले उसका काम होता है बस। तो ये आ गया, याद रखो बच्चों, पूरे डेविएशन में ओरिजिन से मतलब नहीं है, और सेंट्रल टेंडेंसी में ओरिजिन से ही मतलब है, स्केल से ही मतलब है। अगर यहाँ पर मीडियन होता ये, देखो मेरी बात सुनो, ये 5.4 याद है मीन डेविएशन है, अगर ये 5.4 मीन होता, सिर्फ मीन, तो 5.4 यहाँ रखते हो, सबको ही रखते, सबको ऐसे कैसे रखते हो, फिर सोल्व करते, समझ रहे हो। इक्वेशन सोल्व करना तुम्हें आता ही है, एक्स की वैल्यू बताओ तो तुम सोल्व कर लेते हो ना, लेकिन ये इक्वेशन अलग तरीके से सोल्व होगी। यहाँ पर y रख के सबको यहाँ ले आओ, ओरिजिन को हटाओ और साइन को हटाओ। ना समझ में आता हो तो देख लेना रेंज की वीडियो या मुझसे अलग से पूछ लेना, समझ में आती है ना चीज़ें। स्टैंडर्ड डेविएशन गलती से भी माइनस ऑप्शन पे टिक मत लगा देना, मीन डेविएशन चैप्टर तुम्हें कोई चीज माइनस में पढ़ाएगा ही नहीं, समझ रहे हो। रिस्क कभी नेगेटिव नहीं होता, वो तुम्हें जानबूझ के माइनस का ऑप्शन भी देगा, -7.2 टिक लगाकर मत आ जाना। 50 बार बोला है डेविएशन चैप्टर माइनस में आंसर नहीं देता। अब कल स्टार्ट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके पहले मीन डेविएशन के एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा अतरंगी, ठीक है। तो कल अतरंगी क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा होमवर्क बता दिया मैंने क्या है, ये ट्राई करके देखना, जिन बच्चों को नहीं आएगा कल ये भी बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।